Assalamualaikum everyone, good morning. और आज जो है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी है और मैं अभी अभी उठी हूँ और नाश्ता वगैरह मैंने कोई भी नहीं करती हूँ, मैं जस्ट ये बिस्किट ही है बस यही खा रही हूँ। और सुबह से लेके जो है ना इतनी भी सर्दी है कि देखें आप, हीटर चल रहा है कमरे में और हीटर चलता है तभी ही सुकून होता है, नहीं तो बिल्कुल भी सुकून नहीं होता। तो अभी जो है ना सुबह की शुरुआत की है चाय बिस्किट के साथ। आगे क्या होता है मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी, इससे कनेक्टेड और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी जो है ना मैं जा रही हूँ लम्स हॉस्पिटल है जामशेरों में, क्योंकि मुझे थोड़ा बालों में प्रॉब्लम हो गया था, बाल बहुत ज्यादा थिन हो रहे थे मेरे, तो उसको दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ। आई डोंट नो वहाँ पे कोई डॉक्टर है कि नहीं, लेकिन मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने मुझे बताया था कि आप लम्स चली जाओ, वहाँ पे जो है ना डॉक्टर को आप दिखा सकती हो, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। दिन है जुम्मे का तो कुछ खास तो मैं करने वाली हूँ नहीं, हल्का फुल्का सा जो है अच्छा बूंदी, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है और ये सर्दियों के एंड तक अब जाके खत्म हुए, बहुत ही लाइट वेट है। और डॉक्टर को मैं दिखाकर आ गई हूँ वापस अकेले गई थी मैं, और डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि आपको एलोपेशिया हुआ है और टैबलेट्स वगैरह जो है ना वो लिख कर दी है, घर जा रही हूँ मैं। ओके जी, अभी हम जो है ना अंदर जा रहे हैं क्योंकि धूप में बैठते हैं, तो ये क्रीमें लगा लगा के जो चेहरे का जो है ना अच्छा खासा थोबड़ा बनाया है तो उसको जो है ना बंदा ख़राब कर लेगा। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ अपने रूम में, तो फिलहाल थोड़ा जो है ना आवार भी कर लूँ, देख लेंगे बाहर क्या हो रहा है। ये देखें, ये है बाहर का मंजर, कुछ इस तरह से मेरी छत पे लोग नमाज पढ़ने और मैं चली अपनी रूम में। यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे जो है ना अजीब जो है ना मंजर लगा हुआ है, टॉर्च खोल देना। ये सिर्फ फ्लैश लाइट है और ये रहा सुकून, जिसे हम सुकून कह रहे हैं, ये रहा सुकून सर्दी अनाया के लिए, ये हीटर है। हाँ भाई ये हीटर है और ये देखो ये नया फ्लैश लाइट, पता नहीं क्यों ऐसे हो रही है। और ये आराम, ये दोनों सुकून से अंदर बैठी है, वो भी मेरी जगह पे मेरे कंबल में। और अगर आपको मैं दिखाऊँ मेरी जगह तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। अच्छा जी, ये हो गया, यहाँ पे आपको ना ये चीज़ें मिलेंगी मेरी, जैसे कि मेरे डाइजेस्ट रीडर हूँ, मुझे डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं डाइजेस्ट पढ़ती हूँ। और ये शुमारा जो है अक्टूबर 2021 का है, ये दूसरे शुमारे हैं मेरे पास। और डाइजेस्ट जो है ना, मैं लवर हूँ, डाइजेस्ट लवर। और ये पुरानी सी कॉपी रखी हुई है जिसपे जो है ना मैं अक्सर व बेशतर कोई बनाती हूँ ट्रिक्स वगैरह, ये है तो अनाया की लेकिन इसमें जो है ना ये मेरी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी नहीं है। और ये मेरी 2022 की जो है ना डायरी है, जिसको मैं ज़्यादातर जो है ना मैंने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि 2022 में ऐसा कुछ ख़ास था ही नहीं जिसको मैं डिस्क्राइब करती। अच्छा गया साल ओवरऑल, तो इसको जो है ना मैंने अंदर से अभी कुछ भी नहीं लिखा, मैंने उस रात एक गज़ल लिखी थी इसमें, वो आपको दिखा देती हूँ। मोहब्बत ये नहीं कि जिसमें माफ़ कर देना नहायत ही गैर मुमकिन बात हो जाए, मोहब्बत ये नहीं होती कि तुमने कह दिया तो दिन हो और तुमने कह दिया तो रात हो जाए, मोहब्बत ये नहीं होती कि जब तुम जीतो कि तुम ही जीतो, जब बोलो तो तुम ही बोलो,
गिले शिकवे तुम ही करो, सारे फैसले तुम ही करो, किसको मोहब्बत भीख में देनी है, किसको ख्वाहिशों के साथ अपनाना है, किसे वादा करना है या किसी को भूल जाना है, मोहब्बत ये नहीं होती। इस लाइन पे जरा गौर कीजिएगा, जरा से सोच लेना, तुम जिससे मोहब्बत कहते आए हो वो मोहब्बत नहीं होती। तो सुन ले वो बंदे जो कहते हैं कि हमें मोहब्बत है, ये है, वो है, तो वो टाइम पास करते हैं और टाइम पास के अलावा कुछ नहीं करते। ये मैंने लिखी है 4 जनवरी 2023 को ख्वातीन डाइजेस्ट से। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मोहब्बत ये नहीं होती कि तुम लोगों ने जो भी कह दिया तो हो गया। दूसरा भी बंदा होता है, इंसान होते हैं, तो सबकी जो है ना एक प्रायोरिटी होती है, मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, सारी चीजें होती है ना। तो सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग जिसको कह देंगे नहीं आपको ये करना है तो आपको करना नहीं कर सकते भाई, ये इजाजत होनी चाहिए ना मोहब्बत में, लेकिन कुछ लोग नहीं देते। तो मैंने कहा कि यार मैं कब तक किसी के हवाले से चलती रहूंगी, तो मैं अपने तरीके से चलूंगी। अब किसी को मुझे अपनाना है, रखना है तो रखे, नहीं रखना तो छोड़ो यार, मैं जैसी हूँ खुश हूँ अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए ऐसे भीख में मिली मोहब्बत, मुझे नहीं चाहिए। यानी कि आपके पास टाइम है तो सब कुछ है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें जो है ना गलत हैं। फिर वो कसमें खा लेते हैं कि नहीं यार अब उससे कभी बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ना करो बात, अल्लाह आपको खुश रखे, खुद भी आगे बढ़ गए। अगर हम नहीं बढ़े तो वो हमारी अपनी मजबूरी है, ठीक है, हम अपनी वजह से बढ़े हैं, या हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐब है तो वो हमारी वजह से है। हम मैं ये किसी को नहीं कहती कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, नहीं, वो मेरी खुद की गलती है। आप शादियां करो, आगे बढ़ो, बच्चे पैदा करो, लेकिन अगर कोई और आपसे थोड़ा सा टाइम भी मांग ले तो आप उसको जो है ना कहते तुम ऐसी हाँ हूं मैं ऐसी, क्या करो मैं ऐसी। ओके जी, ये देखिए ये ट्रीटमेंट हो गया है मेरा, अब कैसे हुआ ट्रीटमेंट, क्या हुआ ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये जिस जगह पे इन्होंने जो है ना ये मास्क लगाया है मेरे ख्याल में प्याज वगैरह का, इतना कोई लाइट चली गई। शाम के जो है ना 6 बज रहे हैं शाम में, और मैं जो है ना अभी चाय बनाने लगी हूँ। मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है और उसमें ये आया है कि भाई आपको जो है ना बाल झड़ हो गया, और बाल झड़ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। मैं ऑयलिंग भी कर रही हूँ, आप देख रही हैं यहाँ पे ऑयलिंग जो थी मेरी टपक रही थी। अभी जो है चाय वगैरह बनाऊँगी मैं, रात के खाने का कोई मूड नहीं है मेरा फिलहाल तो, लेकिन बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो है ना मैं जाऊँगी किचन में और थोड़ी बहुत जो है ना कुकिंग करूँगी, रोटी बनाऊँगी, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ मैं आपसे, जो भी करूँगी, जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देती रहूँगी। हुआ है रात के 8 बज रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि 8:10 है, और मुझे जो है ना बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन खाने का कुछ खास मूड नहीं है। मैं दूध के साथ जो है ना सूजी टोस्ट लेने वाली हूँ, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। खाना खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, और आज जो सर पे ट्रीटमेंट करवाया है वो इतना कोई ज़्यादा लगा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, कुछ अंदाजा नहीं बता सकती क्या क्या असर हुआ था मेरा। मेरे सर में जो है ना ऐसा लग रहा था जैसे जले हुए पे नमक छिड़कना होता है ना, बिल्कुल वही वाली पोजीशन थी मेरी। अभी आएगा मेरा खाना, और ये दूध के साथ जो है ना मैं सिंधी में तो कोश कहते हैं इसे, सूजी के बने हुए होते हैं, ये दूध आ गया मेरा, और अभी देख खाती हूँ मैं आप लोगों को। तो सो देखो मिलते हैं, और मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना, थोड़ा सा खुलते हैं खुले देखें। ओके जी, यही थी मेरी दिन से रात तक की आज की रूटीन, आज पूरा दिन मैंने क्या किया मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आप वीडियो देख लेते हो तो प्लीज़ लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। रात को बस मैं डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते कब सो जाती हूँ या वीडियो एडिट करने लगती हूँ। इसके अलावा कोई भी खास रूटीन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो आप लोगों को सराहना चाहिए, और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को जो है ना सर लाइक कर लिया करिए। अगर आप देख लेते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लिया करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, अगर कभी